आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी ने फैसला लिया था कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी पार्टी अपना कलेश है पंचायत उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय एवं प्रदेश के प्रभारी पदाधिकारियों को प्रभारी और सहप्रभारी के रूप में हमारे ऊपर बनारस मंडल में दोनों व सहप्रभारी अरविंद पटेल जी हैं। हम दोनों लोगों को कहा गया कि आपको पूरे वाराणसी मंडल में जा करके संगठन के विधानसभा अध्यक्ष दूसरे पदाधिकारियों से देना है। कल हम जौनपुर में और मछली शहर में तहसील में काम हमको चंदौली चले जाना है। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय सचिव अपना दलियस। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी ने फैसला लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी पंचायत चुनाव में मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेगी। उसी के क्रम में पूरे प्रदेश भर में राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रदेश पदाधिकारियों को मंडलवार प्रभारी एवं सहप्रभारी बना करके भेजा गया है। मेरे ऊपर बनारस मंडल की जिम्मेदारी है, मैं साथी सहप्रभारी अरविंद पटेल जी भी हैं। हम लोगों को पूरे बनारस मंडल में पार्टी संगठन के जिले के जिम्मेदार साथियों के साथ मिल बैठ करके पहले चरण में हमने जोनवार विभाजन किया था विधानसभाओं का 4 चरणों पे। अब की बार हम लोग सेक्टर वार विभाजन कर रहे हैं, इसी को लेकर के आज यहाँ बनारस में बैठक थी। देखिए अभी हम लोग पंचायत चुनावों पे फोकस की हमारी पार्टी, बूथ स्तर पे हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं और पार्टी पंचायत चुनाव में मजबूती से उतरेगी। कितने बूथ बनाए जाएंगे? हर बूथ पे लगभग कितने सीटों को निकालने का उद्देश्य है आपका? सीट तो अभी चुनाव के बाद तय होता है, अभी तो हमारी पूरी कोशिश है कि मजबूती के साथ अधिकतम सीटों पे अपनी हम दावेदारी प्रस्तुत कर सकें। क्या लगता है कि चुनाव में किसका गठबंधन होगा या बीजेपी के साथ? वो फैसला हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगी। अभी पंचायत चुनाव में पार्टी संगठन को बूथ तक ले जाना है। क्या उद्देश्य रहेगा चुनाव को लेकर? चुनाव मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। इसमें क्या मुद्दा रहेगा? उद्देश्य हमारा यही कि जो निचला अपना दल की जो नीति रही है, हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनीलाल पटेल साहब पूरे जीवन भर हाशिए की ताकतों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, वही काम हमारी पार्टी के अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल भी कर रही हैं। हमारी पार्टी कमजोर आदमी की आवाज़ को बुलंद करती रहेगी, संघर्ष में आगे खड़ी रहेगी। तो कृष्ण पटेल अपनी पटेल जी भी अपनी बात करते हैं कि हम की तैयारी कर रहे हैं, तो परिवार में कैसे चलेगा? हर पार्टी के अंदर लोकतंत्र का अधिकार है कि अपना अपनी तैयारी करें, उनका अपना काम हमारी पार्टी का अपना काम।